ट्विटर ने एक घंटे के लिए ब्लॉक किया रविशंकर प्रसाद का अकाउंट, कहा पॉलिसी का उल्लंघन किया। ₹2022 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। डेल्टा प्लस वेरिएंट का बढ़ता कहर, अब तक 11 राज्यों में आए डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मामले। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिला अस्पताल में पहुंचकर रक्तदान कार्यक्रम का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष की सीट को भरने के लिए कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है, इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सुबह पहले चितई गोलू दरबार पहुंचकर गोलजू मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में पहुंचकर रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सोमेश्वर को रवाना हो गए। उनके कार्यकाल में शुरू किए गए कोसी पुनर्जनन अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान का भी जायजा लिया गया। जायजा लेने के साथ ही कोसी नदी के किनारे वृक्षारोपण भी उन्होंने किया। इस मौके पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार सेवा में लगी है। वो पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते लोगों को राशन देने, दवाइयां देने और उससे जुड़े हुए तमाम जो कार्य हैं उनमें जुटे हुए। वहीं उन्होंने कहा कि 2016 में प्रदेश की नदियों के पुनर्जनन के लिए उनके द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था, जिसकी शुरुआत अल्मोड़ा के कोसी नदी के किनारे से की गई थी, जिसका सार्थक परिणाम आज सामने आ रहा है। रीजन तो जनता ही समझेगी और वही बता पाएगी, लेकिन हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो सरकार की उपलब्धियां हैं और पार्टी संगठन के इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं, रक्तदान के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं गरीबों के बीच में राशन बांटने का काम चल रहा है, कहीं औषधियां देने का काम चल रहा है, कहीं जो जिन घरों में तमाम तरह की इस समय दुर्घटनाएं हुई हैं उन घरों में मिलने जुलने का काम हो रहा है ताकि उनका मनोबल बना रहे, इन तमाम तरह के कार्यक्रम इस समय। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का? जी, असल में सवेरे से वो पहले तो चितई मंदिर गए थे गोलू देवता के, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद वो जिला अस्पताल में आके उन्होंने जो है ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जैसा कि वो सेवा वाला जो कार्यक्रम चल रहा है और ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम का वहाँ पर शुभारंभ किया। और उसके बाद फिर वो वृक्षारोपण अभियान के लिए, जो कि कोसी नदी के उद्गम पर उनका पहले से 2016 से पुनर्जन्म अभियान के रूप में उन्होंने शुरू किया था, उसके सिलसिले में वो कोटली एक गांव है सोमेश्वर के पास, उस दिशा की ओर चले गए थे और वहां पर उन्होंने ये वृक्षारोपण अभियान के लिए उसके जो पुराने कार्यक्रम है उसको भी देखने की कोशिश की और वो बागेश्वर की ओर चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वही उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। उपचुनाव होगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। उपचुनाव के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो बीजेपी ने खुद ही तैयार किए हैं। अगर मुख्यमंत्री समय रहते चुनाव लड़ लेते तो संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होता। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कांग्रेस को चुनाव में हार का डर सता रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि राज्य के सियासी संकट के लिए बीजेपी खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की इच्छा होती तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में सीट खाली थी। मुख्यमंत्री रहते तीरथ सिंह रावत उस सीट से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब बीजेपी चाहती ही नहीं है कि राज्य में उपचुनाव हो।
जहाँ तक जो कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट खड़ा हो, कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हो रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री के लिए एक संकट पैदा कर दिया है, इसलिए अचानक दूसरे मुख्यमंत्री भी अब दौड़ रहे हैं। सवाल क्या है, भारत के संविधान की साफ और स्पष्ट व्याख्या है कि किसी भी उपचुनाव अगर कोई पोस्ट रिक्त होती है विद इन 6 मंथ चुनाव वहाँ पर होना चाहिए, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है जो अनुच्छेद हमारा पीपल्स रिप्रेजेंट एक्ट है, अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम रह गया है तो फिर वहाँ पर उपचुनाव संभव नहीं हो सकता। आप सबने देखा भी होगा जब आदरणीय कोश्यारी जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, वो राज्यसभा के सदस्य थे, वहाँ उपचुनाव नहीं है। और तीसरी चीज़ है जो 164 अनुच्छेद संविधान का है, उसमें साफ है कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री सिर्फ 6 महीने तक हो सकता है, मंत्री में मुख्यमंत्री भी है ना। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आ चुकी है कि कुछ बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने कहा था कि एक दिन बाद फिर हम शपथ ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि विधानसभा की या जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके कार्यकाल के सिर्फ एक ही बार उसका आप लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। अभी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह कांग्रेस पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर हावी है, वहीं उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सीधे सीधे बीजेपी सरकार को संवैधानिक तौर पर जो चुनाव होने चाहिए उस प्रतिक्रिया को पूरा नकारते हुए कहा कि जो भी मुख्यमंत्री को उपचुनाव से पहले जिस तरह का कार्यकाल बचा है उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति को करवाने लगी है। और सीधे जिस तरह से जो चुनाव को नहीं अग्र होते हैं तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की उम्मीद बताई जा रही है उत्तराखंड में। मुकेश, इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन से बड़े नेता कांग्रेस के वहां पर मौजूद थे? कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो गए, प्रभारी आपके राजेंद्र यादव जी हो गए, और कई ऐसे लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि समय से चुनाव हो, हालांकि संविधान तौर पर जो लिखा गया है कि उस पर मतलब जब तक एक साल का कार्यकाल ना हो चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन अब तो यहाँ 4-5-6 महीने का जो समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर उस पर लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। हालांकि उत्तराखंड में जो दो सीटें उपचुनाव के लिए बची थी उनमें भी अभी भी संयम और कहते हैं स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुई नेता प्रतिपक्ष की सीट को भरने के लिए कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि अगले 2-3 दिन में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला ले लिया जाएगा। पार्टी विधायकों और नेताओं से इस पर चर्चा की जा चुकी है। सितंबर में विधानसभा सत्र को देखते हुए पार्टी का नेतृत्व जल्द ही फैसला लेगा। मैंने कहा अगले 2-3 दिन में हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। सभी की चर्चा हमने की है, चाहे जो हमारे MLA है उनके साथ या सीनियर लीडर्स के साथ, सभी के साथ फ़ोन पे चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिन में पुनः फिजिकली बैठकर आमने सामने बैठ। कुंभ में कोरोना जांच में हुए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान घड़े फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कृत्यों से कुंभ भी पूरी तरह बदनाम हुआ है, जिससे पूरे विश्व में भारत की साख खराब हुई है। उन्होंने कहा कि कुंभ के साथ साथ बॉर्डर और अन्य जगहों पर जो जांचें हुई उसमें भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने CM से तत्काल हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस घोटाले की जाँच करवाने और CM पद से इस्तीफा देने की मांग की है। ये प्रदर्शन हम सब लोगों को विदित है कि कुंभ के अंदर कोरोना जांच के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की फोटो बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सबके साथ वायरल हो गई है कि ये तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि भाजपा के प्रभावशाली लोग जो भाजपा
कुंभ मेले के दौरान हुई कोविड टेस्ट में गड़बड़ी का मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपवास पर हैं। प्रीतम सिंह ने सुभाष घाट पहुंचकर उपवास किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के उपवास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है, राज्य सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला हुआ है और सरकार अधिकारियों की जांच समिति बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। सरकार को मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जजों से कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं यूपी में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा होने के बाद अब इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़ने लगे हैं। धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गिरोह का कनेक्शन पंतनगर से भी सामने आ रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच करने की बात कर रही है। दरअसल जिस उमर गौतम को एटीएस ने दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया है, उसने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से 1980 में बीएससी की पढ़ाई की थी। कहा जा रहा है कि इसी दौरान उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और बाद में मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी। फिलहाल जिले में कोई भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने नहीं आया, लेकिन सतर्कता के तौर पर पुलिस जांच करने की बात कह रही है। तो उमर गौतम ने यहां पर कबूल किया था इस्लाम, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यहां का जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, बताया जा रहा है कि 1980 में यहां पर उमर गौतम ने बीएससी की और मुस्लिम धर्म धारण किया और एक मुस्लिम लड़की से शादी भी की। तो ऊधम सिंह नगर से ये खबर आ रही है। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार उमर गौतम को एटीएस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल, उमर गौतम के तार ऊधम सिंह नगर से भी जुड़े हैं, क्या कुछ जानकारी है? यस शिवम सर, ये ऊधम सिंह नगर से पंथनगर से इसके तार जुड़े हुए कनेक्शन नजर आए हैं, जिसमें ये मरगुल यहाँ 1980 में इलाहाबाद से इंटर पास करके 1980 में जीबी पंत के सी भौतिक विश्वविद्यालय है यहाँ पे पंथनगर में। यहाँ ये इन्होंने बीएचसी के लिए आवेदन किया था, जो यहाँ ये इसमें बीएचसी में यहाँ पढ़ाई की है। गोपाल, यहाँ पर भी अब पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है, कहीं और भी कुछ इस तरह के जो संबंध हैं उमर गौतम के, क्या वो अब सामने आएंगे, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। पौड़ी के विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में रेलवे विकास निगम द्वारा पौड़ी और श्रीनगर में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विकास कार्यों को जल्द पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुआवजा प्रकरण को जल्द सुलझाने, ग्रामीणों को योग्यतानुसार रेलवे में रोजगार देने और जो विकास कार्य शुरू नहीं हुए उन्हें जल्द ही शुरू कराए जाएं। डीएम ने दिखोली में सिंचाई नहर का कार्य शुरू न होने से नाराजगी जाहिर की और 15 दिन के भीतर नहर का निर्माण कार्य शुरू कराने के आदेश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने रेलवे द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों, जिनमें बारातघर, सीसी रोड, मंदिर निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, पार्क, पेयजल योजना जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनासू में टैंक बनाकर ग्रामीणों के लिए पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि समय समय पर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते रहें। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित आचार्य संजय तिवारी ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में मंदिर की 11 परिक्रमा करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चारों धामों की सुरक्षा, विकास एवं अन्य अनियमितताओं को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है, जिससे सभी धामों पर सीधे सरकार और देवस्थानम बोर्ड का नियंत्रण रहेगा। इसी बात को लेकर तीर्थ पुरोहित पिछले साल से सरकार द्वारा थोपे गए देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी लगातार तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं।
मैं पंडित उमेश चंद्र पोसी तीर्थपुरी श्री केदारनाथ। आज हमारा देवस्थान बोर्ड के विरोध में 16वां दिन है और अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं महासभा को विश्वास में लेके देवस्थान बोर्ड लागू किया गया और हम सभी चारों धामों के तीर्थपुरोहित इस देवस्थान बोर्ड का। जोशीमठ में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान होने के साथ ही घरों की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। जीरो बैंड के पास होसी जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया भी टूट गई, जिसकी वजह से आने जाने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा ऐसे स्थानों का निरीक्षण किया गया है। नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया, जिसके बाद लगभग 70 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। जोशीमठ नगर में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी की सप्लाई करने के जल संस्थान टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहा है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। 23 तारीख को रात में ओली की तरफ भारी भारी बरसात होने के कारण तो जोशीमठ की तरफ ओली से लेकर के जोशीमठ के शहर की तरफ को 3 नाले आते हैं, जिसमें एक एटी नाला है, एक आपका परसाई से फरजागवाड़ वाला नाला है, एक ओली से जोशीमठ शहर को बीच हुए सुनील से लेकर के। देखिए, जब अतिवृष्टि हुई और उसका जैसे ही समाचार हमें मिला तो तुरंत मौके पर हमारे नायब तहसीलदार और उनकी टीम मौके पर रवाना हो गई। रात को ही उन्होंने जो भी आवश्यक सूचना थी और कार्रवाई करनी थी, पहली प्राथमिकता थी हमारी सड़क खुले, ठीक है, एटी ब्रिज के पार प्रसारी नाले के गौर सिंह नाले में जो मलबा आया था उस अतिवृष्टि के कारण, तो उसको क्लियर करवाने के लिए बीआरओ को निर्देश दिए गए। बीआरओ ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए वो रात में ही सड़क आपके ट्रैफिक के लिए खोल दी, ठीक है। दूसरे नंबर पर अब ये था कि उस जो अतिवृष्टि के कारण जो है काफ़ी पाइपलाइन डैमेज हुई है, लगभग 800 मीटर के आसपास जल संस्थान की पाइप। रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी में पहुंचकर घर खाली करने के नोटिस चस्पा किए गए थे। नोटिस चस्पा किए जाने से आक्रोशित नगीना कॉलोनी के हजारों लोगों ने जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। धरने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी के 400 से अधिक परिवार को चिन्हित कर उन्हें 7 दिन के अंदर भूमि खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद शाम को सभी लोगों ने महापंचायत कर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। इसी को लेकर हजारों की संख्या में नगीना कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनी से विशाल जुलूस निकाला। यहाँ जुलूस नगीना कॉलोनी से शुरू होते हुए रेलवे कॉलोनी से तहसील कार्यालय पहुंचा। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि कॉलोनी वासी भूमि पर लगभग 40 से 50 सालों से रहते आ रहे हैं, ऐसे में जमीन खाली नहीं की जाएगी। तहसीलदार नितेश डागर ने कहा कि उन्हें एक ज्ञापन मिला है जिस पर रेलवे प्रशासन से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में शासन को अवगत कराकर इसका समाधान निकाला जाएगा। हम 30 साल से रह रहे हैं नगीना कॉलोनी में। 30 साल से हमारे संग यही होता जा रहा है कि हर 6 महीने, साल भर में या 2 साल के अंदर आ करके हमें ऐसे डराया जाता है। क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है? हमारा राशन कार्ड नहीं बनाया या पहचान पत्र नहीं बनाया? कौन लोग हटाते हैं इनका प्रयास? रेलवे वाले। अब क्या कर रहे हैं? अब भी तो वही कर रहे हैं। अब हम जाएंगे कहाँ बताओ? ये बरसात के दिन, ये कोरोना काल में आप अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, किसी के पास गाय है, बकरी है, गरीब आदमी ने एक एक तिनका करके अपना, जैसे चिड़िया एक घोंसला बनाती है इस तरह से हम लोगों ने भी तो जोड़ के बना रखा होगा। हमारे पास भी इतना धन पूंजी होता तो हम भी जगह में जाकर के साला जमीन खरीद के हैं मांग यही करते हैं। हम जहाँ हैं हमें वहाँ रहने दीजिए, हमारा अधिकार है। तो हमें आज लोगों ने यहाँ के ज्ञापन दिया कि हम सालों से रह रहे हैं और हमें या तो कहीं अलग व्यवस्था दी जाए या फिर अभी ना हटाया जाए। तो उनसे बातचीत की गई, उनको समझाया गया है कि जल्द से जल्द रेलवे वाले, क्योंकि वो भारत सरकार का उपक्रम है, उनसे बातचीत की जाएगी, जो भी समाधान होगा उसके बारे में इनको अवगत भी करा देंगे और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसको अभी हम जिलाधिकारी महोदय को भेज। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए प्राइम टीवी।